सबसे पहले बेसिक जानते हैं आज की वीडियो में, इसके बाद मेरा वीडियो लेक्चर डेली रूटीन पे आएगा आपका। आप लोग वीडियो को देखिएगा, जैसा लगेगा वैसे रिस्पॉन्स दीजिएगा, ठीक है। तो बात करूँगे ऑप्टिक्स। सबसे पहले बता दूँ, फिजिक्स पढ़ने से पहले कुछ चीज़ें आप दिमाग नोट कर लीजिए। आप लोग का इस बार बोर्ड है तो दिमाग कुछ नोट कर लीजिए। सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट पढ़िए, कॉन्सेप्ट पर न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिए। जितना न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे उतना ही फायदा होगा। कॉन्सेप्ट पढ़ने से ज़्यादा कहाँ आता जानते हैं, यही बच्चों में दिक्कत होती है। कॉन्सेप्ट न्यूमेरिकल से आता है और हम लोग समझ नहीं पाते। जितना न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे उतना अच्छा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इस चीज़ को दिमाग नोट कर लीजिए, ठीक है। इस चीज़ों का दिमाग में नोट करके फिजिक्स पढ़ेंगे तभी आपका फिजिक्स में कुछ कल्याण संभव है, अदरवाइज यू हैव टू फेस प्रॉब्लम्स, ठीक। तो ये थोड़ी सी बातें हो गई, थोड़ा कुछ बता दूँ, आज पहला दिन है। तो स्टार्ट करते हैं ऑप्टिक्स के बारे में, ओके। आप लोग जानते हैं क्लास ट्वेल्थ में हम लोग पढ़ते हैं पहले रे ऑप्टिक्स फिर वेव ऑप्टिक्स, ठीक। अब रे ऑप्टिक्स के पढ़ते हैं, वेव ऑप्टिक्स के पढ़ते थोड़ा जानते हैं। आज इंट्रोडक्शन है, थोड़ा इंट्रोडक्शन है तो कुछ चीज़ें बेसिक जानते हैं ना। तो जब दिमाग में आता है ऑप्टिक्स तो ऑप्टिक्स क्या है, जब भी हमारे दिमाग में आता है ऑप्टिक्स तो हम सोचते हैं बस लाइट के बारे में कुछ चीज़ें हमको बताई जाएंगी। ऑफकोर्स सही है, द स्टडी ऑफ लाइट्स, ये फिजिक्स का वैसा ब्रांच है जिसमें हम लाइट के बारे में स्टडी करते हैं। इसके बारे में, लाइट के बारे में। तो दिमाग में आता है कि ठीक है भैया ऑप्टिक्स स्टडी ऑफ लाइट है, फिर दिमाग में आता है भाई लाइट क्या है। दिमाग में आता है ना, ये लाइट जल रही है, हम यहाँ वीडियो बना रहे हैं, अगर लाइट ना होती क्या वीडियो बनाना संभव था, बिल्कुल नहीं संभव था। तो लाइट के बारे में जानना जरूरी है। हम लोग छोटे क्लास पढ़ते थे लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, बस वही चीज़ें आज यहाँ भी पढ़ेंगे। तो लाइट के बारे में क्या कहता है, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। आप जानते हैं लाइट इज ए फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विच आर यूज टू सी द ऑब्जेक्ट। मतलब लाइट को, लाइट से ही संभव है कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को आसानी से देख सकते हैं, ठीक है। तो लाइट इज, लाइट क्या है आपका, लाइट इज फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब आप जानते हैं बहुत से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होते हैं, आप लोग सुने होंगे जब क्लास इलेवंथ में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं तो काफ़ी सारे आपका आता है, एक्स रे आता है, गामा रे, एक्स रे, गामा रे, अल्ट्रावायलेट रे, उसी बीच में आता है आपका आता है विग्योर, विजिबल रे। तो लाइट क्या कह सकते हैं, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यू कैन से इन अदर वर्ड्स लाइट इज ए फॉर्म, लाइट इज ए पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम विच आर यूज टू सी द ऑब्जेक्ट क्लियरली, ओके। तो मेरे हिसाब से लाइट के बारे में जान गए होंगे। तो आपका विजिबल रे आता है, इसके बाद इंफ्रा रे आता है, इंफ्रा रेड, माइक्रोवेव, इसके बाद रेडियो वेव। तो जो ये विजिबल रेज है, जो ये इलेक्ट्रो, देखिए इस सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, पर जो विजिबल रे है लाइट इसको हम लोग कहते हैं। दीज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर, ये हेल्प होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने में, आसानी से हम लोग देख सकते हैं। अब इसका वेवलेंथ कितना होता है, विजिबल रे का होता है 4000 एंगस्ट्रॉम से 7000 एंगस्ट्रॉम तक, 7000 एंगस्ट्रॉम तक। तो हम कह सकते हैं आसानी से लाइट क्या है, लाइट इज ए पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, मीन्स लाइट इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विच हैव वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रॉम टू 7000 एंगस्ट्रॉम, क्लियर। अगर आप इधर से इधर जाएंगे तो आपका वेवलेंथ बढ़ेगा, अगर आप एक्स रे से इधर तरफ माइक्रोवेव रेडियो की तरफ जाएंगे तो आपका क्या होगा, वेवलेंथ बढ़ेगा, वेवलेंथ बढ़ेगा, और फ्रीक्वेंसी क्या होगी, डिक्रीज होगी, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी आपकी, ओके। मेरे हिसाब से आप लोग समझ गए होंगे। हमने पढ़ा ऑप्टिक्स, पढ़ा ऑप्टिक्स क्या है, इसके बाद हमने पढ़ा कि लाइट क्या है, अब आगे पढ़ते हैं। अब देखिए, अब बात आती है कि लाइट का नेचर कैसा है। आप लोग जानते हैं कि लाइट ड्यूअल नेचर का होता है, पार्टिकल नेचर का होता है, वेव नेचर का होता है। यही कारण है कि हम लोग ऑप्टिक्स को दो पार्ट पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं आपको रे ऑप्टिक्स, एक क्या है आपका रे ऑप्टिक्स, आपको नोट्स आपके ऐप पे, आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप होगा वहाँ से आप लोग इंस्टॉल कर लीजिएगा। आपको यूनिक गुरु, यूनिक ऑनलाइन आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे है, आप लोग देख लीजिएगा ऐप पे, वहाँ आपको नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। नोट्स की कोई समस्या नहीं होगी आप लोग को,
तो बात आती है कि लाइट का डुअल नेचर होता है, एक होता है आपका पार्टिकल नेचर और एक होता है आपका वेव नेचर। तो पार्टिकल नेचर के जिस ऑप्टिक्स पर अध्ययन करते हैं उसको क्या कहते हैं, रे ऑप्टिक्स। मतलब रे ऑप्टिक्स आपको बताता है पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, क्या बताता है पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, और वेव ऑप्टिक्स क्या बताता है वेव नेचर ऑफ लाइट, वेव नेचर। ठीक है, रे ऑप्टिक्स को हम लोग ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी कहते हैं, क्या कहते हैं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। ठीक, ध्यान दीजिएगा काफी सारी बुकों में लिखा रहता है रे ऑप्टिक्स को ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स कहते हैं। ठीक, तो पार्टिकल नेचर रे ऑप्टिक्स और दिमाग में आता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन, मेन डिफरेंस बिटवीन रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स, ऑफकोर्स हम इसको जानते हैं। देखिए रे ऑप्टिक्स क्या होता है, रे ऑप्टिक्स में हम जिस भी ऑब्जेक्ट से डील करेंगे, इन द रे ऑप्टिक्स जिस भी ऑब्जेक्ट से हम लोग डील करेंगे, जो उसका डायमेंशन होता है, जो उसकी ऑब्जेक्ट की लेंथ होती है, मतलब डायमेंशन होता है, साइज होता है, वो लाइट के वेवलेंथ से काफी बड़ा होता है, बहुत ज्यादा, मच बिगर होता है, ज्यादा नहीं मच बिगर होता है। द ऑब्जेक्ट या वी कैन से द डायमेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट, लाइक मिरर पढ़ते हैं, प्रिज्म पर पढ़ते हैं, टेलीस्कोप पढ़ते हैं, माइक्रोस्कोप पढ़ते हैं, तो उन सबका जो डायमेंशन होता है लाइट के वेवलेंथ से बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, और वेव ऑप्टिक्स क्या होता है, वेव ऑप्टिक्स में हम जिस भी ऑब्जेक्ट के बारे में डील करेंगे उसका डायमेंशन, जो उसकी साइज है, वो आपके लाइट के वेवलेंथ के कंपेरेबल होता है। ठीक, यहाँ हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग जानते होंगे, इधर हम लोग पढ़ते हैं, देखिए अभी आपको आगे बताऊंगा जब लेक्चर चलेगा, तो पढ़ते हैं क्या नाम है, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यंग डबल स्लिट में जो स्लिट की साइज होती है, उस स्लिट की साइज लाइट के वेवलेंथ के कंपेरेबल होती है, बहुत छोटी होती है। हम डिफ्रैक्शन पढ़ते हैं, ऑब्स्टेकल्स होता है, ऑब्स्टेकल्स में जो साइज होती है उसके बीच में, तो उसकी साइज बहुत छोटी होती है। तो इसलिए हम कहते हैं द ऑब्जेक्ट डील इन द वेव ऑप्टिक्स, उसकी जो वेवलेंथ होती है, उसका जो डायमेंशन होता है, लाइट के वेवलेंथ के कंपेरेबल होता है। तो हम ये समझ गए क्या, रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स। और हमें पहले हम लोग रे ऑप्टिक्स पढ़ेंगे पूरा, ठीक है, लगभग 6-7 लेक्चर में हो जाएगा रे ऑप्टिक्स, इसके बाद हम वेव ऑप्टिक्स पढ़ेंगे। तो जान जाइए रे ऑप्टिक्स चैप्टर बड़ा सिंपल चैप्टर है, आपका लगभग 15-20 नंबर आपको देगा, 14 नंबर का आता है बोर्ड में। तो अब हो गया आपका रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स, अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, अब बात आती है, ठीक है, रे ऑप्टिक्स वाले, वो रे ऑप्टिक्स पढ़ेंगे आज। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, आज बेसिक लेक्चर है, आज इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। ठीक, तो रे क्या होता है, दिमाग में आता है कि रे ऑप्टिक्स पढ़ेंगे तो रे क्या, तो रे के बारे में जान लेते हैं। रे क्या है, द पाथ ऑफ लाइट इन विच ए पाथ द लाइट ट्रेवल दैट इज कॉल्ड रे, क्या ये पाथ ऑफ लाइट। आप जानते हैं लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन द रेक्टिलिनियर पाथ, रेक्टिलिनियर में ऑलवेज ट्रेवल इन द स्ट्रेट लाइन, तो पाथ ऑफ लाइट इज कॉल्ड रे, पाथ ऑफ लाइट इज कॉल्ड। ठीक, ये हो गया रे ऑफ लाइट, तो रे ऑप्टिक्स। अब देखिए रे ऑप्टिक्स में स्पेशली शुरुआत में हम क्या पढ़ते हैं, रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ते हैं। तो आज हम को रिफ्लेक्शन के बारे में, बेसिकली मैं रिफ्लेक्शन के बारे में आज पढ़ाऊंगा, बात करूंगा। तो आज हमारा जो मुझे हम लोग को पढ़ना है वो क्या है आपका, रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं रिफ्लेक्शन। अब ध्यान दीजिए, वैसे भी क्लास 9th में 10th में पढ़े होंगे आप लोग रिफ्लेक्शन क्या होता है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ आज बेसिक से खत्म शुरुआत। ये क्या होता है ना, जब बेसिक स्टार्ट करते हैं तो आपको को रिलेट करने में आसानी होगी, फर्स्ट लेक्चर में ये था, सेकंड लेक्चर ये था, तो आप इससे चीज़ों को आसानी समझ जाएंगे। तो आज हम लोग रिफ्लेक्शन स्टार्ट करेंगे। दिमाग में आता है रिफ्लेक्शन क्या है, हम लोग अपने दैनिक जीवन देखते हैं, मान लीजिए कोई बॉल ले लेते हैं, बॉल को जब किसी सरफेस पर अगर हम हिट कराएंगे, स्ट्राइक कराएंगे, तो हम देखेंगे जितने एंगल से आता है उतने एंगल से जाता है, मीन्स द प्रोसेस ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ दैट ऑब्जेक्ट आफ्टर स्ट्राइकिंग द सरफेस। मैं लाइट के मतलब लाइट से रिलेट करूंगा अभी रिफ्लेक्शन को, वैसे भी अपने दैनिक जीवन बात कर रहा हूं मैं, जब भी किसी ऑब्जेक्ट किसी मान लीजिए कोई सरफेस है, यहां से कोई ऑब्जेक्ट इसे गिरा एंगल बनाते हुए, ठीक है, ये आपका नॉर्मल होगा एंगल बनाते हुए, तो उसी एंगल से ये ऑब्जेक्ट बाउंस बैक हो जाएगा। ठीक है, तो इसी पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं हम लोग, रिफ्लेक्शन कहते हैं। लाइट केस में क्या है, हम लोग पढ़ते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन मैंने क्या कहा, द बाउंसिंग बैक ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट यहाँ आया, मान लीजिए जैसे मान लीजिए कोई बॉल है, बॉल इस सरफेस पे हम लोग स्ट्राइक कराए और कुछ बॉल उसी कुछ एंगल से बनाते हुए ऐसे निकल गई, तो हम लोग कहते हैं कि बॉल का रिफ्लेक्शन हो गया, बॉल ले लेते हैं। अब लाइट केस में क्या होता है, लाइट केस में मान लीजिए ये कोई मिरर है,
मान लीजिए मिरर है आपका, ये आपका क्या है मिरर, ठीक, पॉलिश सरफेस मार पॉलिश कर दिया। मान लीजिए कोई लाइट यहाँ से आई, इंसिडेंट हुई, इसको हम लोग क्या कहते हैं इंसिडेंट। अब ये आपका नॉर्मल है, नॉर्मल हमेशा जहाँ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है वहीं से पास होगा, ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को। अब यहाँ से लाइट क्या हुई, रिफ्लेक्ट हुई, तो जो लाइट इंसिडेंट हुई उसको हम लोग क्या कहें, इंसिडेंट रे कहें, क्या कहें इसको हम लोग, इंसिडेंट। जो लाइट रिफ्लेक्ट होगा इसको हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टेड, क्या कहते हैं रिफ्लेक्टेड। और ये आपका क्या है, ये आपका नॉर्मल है, ये आपका क्या है, ये आपका नॉर्मल है। और द एंगल मेड बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंट, इसको हम लोग आई से, एंगल आई से रिप्रेजेंट करते हैं। द एंगल फॉर्म बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये हो गया रिफ्लेक्शन के बाद थोड़ा सा, अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ते हैं कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है क्या, परावर्तन का नियम है क्या, तो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। देखिए पहला नियम क्या है, सिंपल है, आप लोग जानते होंगे, एंगल आई बराबर एंगल आर, किसी भी सरफेस के लिए, जरूरी नहीं प्लेन सरफेस हो, कोई भी सरफेस हो, हमेशा ध्यान दीजिएगा, आपका जब इमेज फॉर्मेशन करेंगे तो वहां भी ये आएगा, हमेशा ध्यान दीजिएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ओके। और दूसरा लॉ क्या है आपका, दूसरा क्या है, इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, क्या कह रहा हूं मैं, इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस आर लाइन सेम प्लेन, एक ही प्लेन में तीनों रे, तीनों जो रे ऑफ लाइट है वो एक ही प्लेन में लाई करती है, ये आपका क्या हो गया, सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक। तो आज हम लोग क्यों लॉ, मैंने कहा कि आज हम बेसिक बात कर रहे हैं, तो आज हम क्यों लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपका जो एग्जाम में कभी कभी एग्जाम पूछ लिया जाता है ये सब, नेक्स्ट वीडियो जो हम बात करेंगे वो एग्जाम से रिलेटेड रहेगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आज के लिए इतना रखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।